हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गोवा में आते ही हमें पता चला कि गोवा की लोकल पब्लिक अलग अलग तरीकों से टूरिस्ट को लूटने के लिए तैयार होती है। हाँ, गोवा बेहद खूबसूरत है, लेकिन टूरिस्ट के लिए ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ बहुत स्कैम होते हैं, चाहे वो पुलिस हो, शॉपिंग हो, पानी, पेट्रोल, मसाज, डॉल्फिन या कुछ भी। मैं कहूँगी सबसे बच के डिसीजन ले और थोड़ी सावधानी रखे और अपना ध्यान रखे। ये सारी बातें मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहली टिप है कि गोवा आने से पहले ही आप अपने दिन के अकॉर्डिंग रूट प्लान कर लें, जिससे आप सही तरीके से बिना टाइम वेस्ट किए ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। ये मेरे साथ हो चुका है, हमने प्लानिंग नहीं की थी जिसकी वजह से हमारा काफ़ी टाइम और पेट्रोल दोनों ही वेस्ट हुआ। तीन अलग अलग जगह जो एक ही रूट में है उसके लिए हमने दो दिन वेस्ट कर लिए, जो आप वीडियो में देखेंगे। हमारा ट्रिप 4 दिन का था, जिसमें पहले दिन हमने कवर किया अगोड़ा फोर्ट अपर एंड लोअर और सिंक्वेरियम बीच। सेकेंड डे हमने कवर किया चर्च, छपोरा फोर्ट, डॉल्फिन राइड और कोको बीच। थर्ड डे दूधसागर वाटरफॉल्स एंड फोर्थ डे आरामोल बीच। हम आ चुके हैं अगोड़ा फोर्ट अपर। यहाँ टिकट्स थे लेकिन अभी शायद नहीं है, तो हमने फ्री एंट्री कर ली है। तो अब है स्टोरी टाइम। ये फोर्ट 400 साल पुराना है। क्योंकि ये पानी के पास बना था, इसीलिए इसे अगोड़ा फोर्ट कहा जाने लगा। ये फोर्ट मंडोवी नदी से आने वाले शिप्स और गोवा के दुश्मनों से बचाने के लिए पोर्चुगीज ने बनाया था। यहाँ जो लाइट हाउस है, ये एशिया का सबसे पुराना लाइट हाउस है। इसके अलावा ये गोवा का सबसे बड़ा जेल भी है, जो अभी बंद किया गया है। इस फोर्ट के दो पार्ट है, अपर फोर्ट और लोअर फोर्ट। लोअर फोर्ट में शिप्स डॉक होते थे और अपर फोर्ट में पानी स्टोर किया जाता था। अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी अगोड़ा फोर्ट इज द परफेक्ट प्लेस फॉर फोटोग्राफी। टिप नंबर 2 शेयर करना चाहूँगी। इस फोर्ट पे आने का समय मॉर्निंग या इवनिंग का फिक्स करें, जिससे आप अपनी अच्छी मेमोरी क्लिक कर सकते हैं। लोअर फोर्ट के पास ही सिंक्वेरियम बीच है। गोवा घूमने से पहले हो सके तो आप गोवा गाइड ले लें, या फिर कहीं भी जाने से पहले गूगल मैप का यूज़ ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर चेकआउट करें, और वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। सेकेंड डे हमने प्लान किया था कि क्रूज़ देखेंगे, लेकिन रास्ता भूलने से हम किसी चर्च के सामने आ गए थे।
यहाँ बोर्ड पे पढ़ा कि टिकट्स है देखने के लिए, जो कि हमने कवर नहीं किया। वहीं हमें एक बाइक वाले भैया मिल गए जो हमें डॉल्फिन राइड पे ले गए। यहाँ आ जाती है टिप नंबर 3 की बारी। गोवा में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बाइक्स लेकर आपके पीछे आएंगे और अलग अलग तरीकों से, बातों से आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स, डॉल्फिन राइड्स, होटल्स, बाइक ऑन रेंट्स, स्पा, ऐसा बहुत कुछ। तो मैं सजेस्ट करूँगी बार्गेनिंग ज़रूर ट्राई करें और एडवांस पेमेंट बिल्कुल ना करें। पहले सब देख ले और सेफ लगे तभी अग्री करें। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, हम तो कन्विंस हो गए थे और पे करके कोको बीच पे डॉल्फिन राइड के लिए निकल गए, जहां हमें श्योरिटी दी गई थी कि डॉल्फिन ना दिखे तो पैसे वापस। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हाफ एन आवर की राइड के बाद डॉल्फिन पॉइंट तक हम पहुंचे, जहां हमने एक बंगलो देखा जहां मूवी हसीना मान जाएगी की शूटिंग हुई थी, और इसी के आगे अगोड़ा फोर्ट भी दिखाई देता है। अप्रॉक्स 20 मिनट की वेट के बाद हमें सिर्फ डॉल्फिन के फिन्स ही दिखाई दिए। बस हाँ, बोट राइड अच्छी कर ली थी। थोड़ा डिसअपॉइंट होने के बाद हम छपोरा फोर्ट के लिए निकले। This is the time for tip number 4. Chapora Fort पे sunset timings के according जाएं। It is again a very good spot for photography. एक और बात, सारी tourist places पे parking charges 50 rupees for 2-wheelers और 100 रुपीस फॉर 4-व्हीलर्स पे करना पड़ेगा। लेकिन लकीली फोर्ट के पार्किंग से पहले हमने पार्किंग स्पेस मिल गई, जहां फ्री पार्किंग हमने किया और वॉकिंग डिस्टेंस पे है फोर्ट। यही मूवी दिल चाहता है का सीन शूट किया गया था। इसी फोर्ट के नीचे है वेगेटर बीच और यहाँ भी आपको वाटर स्पोर्ट्स मिल जाएंगे। थर्ड डे हमने लॉन्ग ड्राइव प्लान किया और दूधसागर वाटरफॉल के लिए निकले। हम जहाँ रुके थे वहाँ से दूधसागर वाटरफॉल अप्रॉक्स 86 किलोमीटर पे था। Thank you.
टिप नंबर 4 इज कि दूधसागर वाटरफॉल पहुंचने का टाइम 12 बजे तक रखें, जो कि हमें बिल्कुल नहीं पता था। हम दोपहर के 12 बजे ही रूम से निकले थे, पूरी धूप में हमने लॉन्ग ड्राइव की है। आप अपना टाइमिंग इस तरह से फिक्स करें कि 12 बजे तक आप वहां पहुंच जाए, तो आप इजीली दोपहर होने से पहले एंजॉय कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा कपड़े ले जाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वाटरफॉल्स है तो वहाँ लाइफ जैकेट्स अलाउ करते हैं और हमें पानी भी एंजॉय करने मिलता है। यहाँ 500 पर पर्सन एंट्री फी है और जीप या कार का 100 रुपीस और लाइफ जैकेट का 50 रुपीस। और वाटरफॉल पहुंचने के बाद अप्रॉक्स 1.5 घंटा टाइमिंग हमें मिलता है। इससे ज़्यादा टाइमिंग होने पर यहाँ एक्स्ट्रा चार्जेस भी ये लोग लगा देते हैं। वाटरफॉल पहुँचने पर कुछ दूरी पर जीप्स हमें नीचे उतार देगी, वहाँ से कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे वाटरफॉल है। यहाँ एक रूल है जो कि मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ जाने से पहले रूट पे प्लास्टिक बॉटल्स काउंट किए जाते हैं, जो कि हमें कंपलसरी वापस लेके आना है, जो नेचर के लिए बहुत ही अच्छा है। फोर्थ डे आरमोल बीच पहुंचे। ये बीच बहुत ही सुंदर है, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, सेफ और क्लीन भी है। सॉरी, ज़्यादा वीडियो मैं यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड कर पाई। आई विल से यू कैन स्पेंड फुल डे हियर। यहीं से हमने वाटर स्पोर्ट्स के लिए कॉन्टैक्ट मिला, नंबर और लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है ओमकार वाटर स्पोर्ट्स, इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, प्राइस भी काफ़ी अच्छे हैं। 1500 में ये 5 वाटर स्पोर्ट्स करवाते हैं और आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। एंड
हियर इज माई फर्स्ट वाटर स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल, जो कि बहुत ही अच्छा था। टाइम की कमी की वजह से हम सिर्फ एक ही वाटर स्पोर्ट कर पाए, और क्योंकि ये हमारा लास्ट दिन था तो हमारे पास कोई चांस नहीं था, बट वी एंजॉय लॉट। अगर आप यहाँ से कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं, जैसे कि कैशूज, चॉकलेट्स और स्वीट्स वगैरह कुछ, तो हो सके तो पहले टेस्ट कर ले। अगर टेस्ट आपको अच्छा लगे तभी उसको खरीदें। पैकेट्स भी चेक कर ले, कभी कभी बाहर से पैकेट दिखते हैं भरे हुए बट अंदर होते नहीं हैं। कैशूज वगैरह में भी बहुत मिक्सिंग होता है, जैसे कि आपको बोलेंगे 700 पर केजी, पर उसमें टूटे हुए कैशूज भी वो लोग मिक्स कर देते हैं। जो कवर वाले कैशूज होते हैं वो भी उसमें मिक्स कर देते हैं, तो ज़्यादा क्वांटिटी में लेते समय आपको वो नहीं दिखेंगे, जो कि लॉस होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है इस वीडियो में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।